नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 16 जून से बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत की जाएगी, लेकिन इस बार अनलॉक 2 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति का जायजा लेंगे, साथ ही साथ सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, जिसके बाद ही इस बार कितनी छूट दी जाएंगी, कितनी रियायतें दी जाएंगी, इसका फैसला किया जाएगा। बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत 16 जून से हो रही है। 15 जून की रात 12 बजे तक अनलॉक 1 प्रभावी रहेगा। इसके पहले अनलॉक 2 में दी जाने वाली छूट पर व्यापक विमर्श जारी है। अनलॉक 1 की भी समीक्षा हो रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद कई जगह घूमकर देखेंगे कि आम लोग अनलॉक 1 के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं। इस बार अनलॉक 2 में कई छूट मिलने की संभावना है। आज नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे और अनलॉक के संबंध में फीडबैक लेंगे। अंत में उच्च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में अनलॉक 2 में मिलने वाली छूट पर फैसला हो जाएगा। फिर सीएम सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इस बार अनलॉक 2 का आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट किया है कि बिहार में कोविड की रफ्तार यूं ही घटती रही तो जुलाई से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना जंक्शन और मीठापुर एरिया के निरीक्षण के दौरान कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी है। लोगों को काम का अवसर मिलना चाहिए। कोविड-19 से बचाव के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था, मगर विकास भी जरूरी है। लोगों को मिलने वाली छूट का उचित प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनने और फीडबैक के आधार पर अनलॉक 2 पर फैसला होगा। हम खुद घूमकर अनलॉक 1 का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि एक सप्ताह के अनलॉक 1 के बाद सोमवार को अनलॉक 2 पर फैसला होगा। इसमें धार्मिक स्थानों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट को भी 25% से 50% लोगों के साथ खाना सर्व करने की छूट दी जा सकती है। शादी विवाह में भी शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 की जा सकती है। संभावना है कि नया आदेश 15 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही यह भी संभावना बन रही है कि सभी तरह के दुकानों को रोज एक दिन समय सीमा तक खोलने की छूट मिल सकती है। मॉर्निंग वॉक और बच्चों के खेल मनोरंजन के लिए पार्क खुल सकते हैं। धार्मिक स्थलों को भी कुछ बंदिशों के साथ छूट मिल सकती है। शादी विवाह और श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट मिल सकती है। होटल और रेस्टोरेंट में 25% से 50% लोगों के साथ खाना सर्व करने की छूट दी जा सकती है। तो इस बार अनलॉक 1 के समाप्ति से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे कि लोग गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं। मास्क लगाने की बात बताई गई थी, साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया था, और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार खुद आकर स्थिति का जायजा लेंगे और आज सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में डीएम से फीडबैक मांगा जाएगा, जिसके बाद ही अनलॉक 2 पर फैसला किया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि शादी विवाह और श्राद्ध के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। रेस्टोरेंट को खोलने की भी बात कही जा रही है, 25% से 50% के छूट के साथ रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। पार्क को खोलने की भी बात कही जा रही है, धार्मिक स्थानों को भी खोलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।